अच्छा, स्किन टाइटनिंग जो है वो चावल से हो जाती है, चावल के आटे से। चावल बड़ा जबरदस्त एक तरीकेकार होता है कि आप चावल को इस्तेमाल करें, स्किन बड़ी टाइट हो जाती है। लेकिन फरा, आप हमें कैसे स्किन टाइट करके दिखाएं? बहुत ही इजी। जैसे कि चावल के आटे में बहुत सारी खसूसियात है, बहुत सारी चीजें स्किन को वाइट भी करता है, टाइट भी करता है। लेकिन ये जो सीजन आ रहा है, थोड़ी सी खिंची खिंची सी स्किन होती है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा आ गई है, टाइट तो करेगा। लेकिन आप याद रखिए, कोई भी हम मास्क लगाते हैं, स्किन हमारी उससे ड्राई हो जाती है। तो अब हमें ये ख्याल रखना है इस मास्क को बनाते वक्त कि स्किन हमारी ड्राई भी ना हो लेकिन टाइट हो जाए। तो वो मैं आपको यहाँ पर मास्क बताऊंगी। जो आप बाजार से मास्क लेते हैं, कोई भी मास्क ले आते हैं, आप कहते हैं मैंने ये यूज़ किया, स्किन टाइट तो हुई लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ गई है, बहुत ज़्यादा स्किन बिल्कुल हमारे रैशेज पड़ रहे हैं ड्राइनेस की वजह से। तो आप इस तरह से करें कि ये जो मैं बता रही हूँ, आप ये वाला रेमेडी को आप यूज़ करें, अपने फेस पर अप्लाई करें, आप स्किन को टाइट करेगा। टाइट होने के साथ साथ आपकी स्किन पे एक शाइन भी लाएगा और आपकी स्किन एक थोड़ी सी चमकदार सी ग्रीसी सी स्किन हो जाएगी। तो आप चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें फॉलो करें और शाइनी सी स्किन हो जाएगी, बिल्कुल शाइनी ग्रीसी, शाइनिंग सी, शाइनिंग ग्रीसी सी, क्योंकि हम वैसलीन या फिर मॉइस्चराइजर लगाते हैं। अच्छा। तो हमारी स्किन थोड़ी सी मुलायम हो जाती है। ग्रीसी तो नहीं होनी चाहिए स्किन? नहीं, सर्दियों में होना जरूरी है, सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में ड्राई होगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। गर्मियों में ग्रीसी होती है तो उसके लिए हम मास्क अप्लाई करते हैं, हम मड मास्क अप्लाई करते हैं कि हमारा जो ऑयल सीबम है वो थोड़ा कंट्रोल हो के ज्यादा ना आए। okay. लेकिन सर्दियों में तो हम चाहते हैं हमारी स्किन शाइन हो। okay. शाइन नहीं होगी तो आप तो बहुत तो गर्मियों के अंदर भी शाइन हो स्किन शाइन होता है तो। लेकिन गर्मियों में मसला ये होता है कि बहुत ज्यादा पसीना होता है, पसीने की वजह से, देखें ग्लो आना चाहिए, पसीने की वजह से शाइन ना हो, ग्लो हो चेहरे पे ताकि ताजा लगे। वो तो बहुत सारे कॉस्मेटिक आ चुके हैं, लेकिन गर्मियों में शाइन होने की ज्यादा वजह ये होती है कि आपको बहुत ज्यादा सीबम ऑयल निकल रहा होता है। ऑयल निकल रहा होता है, ऑयल क्या होता है, फिर पोर हमारे खुल जाते हैं, उसमें फिर हमारी धूल मट्टी जाती है, फिर उसमें ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, बहुत सारी एक्ने शुरू हो जाती है। तो गर्मियों में हमारा ये ज्यादा होता है कि ये थोड़ी सी हमारी ऑयल जो है वो कंट्रोल हो जाए। लेकिन सर्दियों में ऑयल को कंट्रोल ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी स्किन शाइन हो जाए। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिया अंडे की सफेदी, और अंडे की सफेदी को अच्छी तरह से मैंने बीट कर दिया। अंडे की सफेदी वैसे भी अगर आप लगा लेते स्किन आपकी टाइट हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, इस वजह से मैं इसमें दूसरी चीजें शामिल कर रही हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग इस्तेमाल करें आपकी स्किन किस टाइप की है, क्योंकि आप कहते हैं कि हमने यूज किया मेरी स्किन पे नहीं चला। हम यहाँ जो भी रेमेडी बताते हैं, जो तमाम एक्सपर्ट बताते हैं, ऑल टाइप स्किन के लिए होता है। okay. वो तमाम स्किन के लिए होता है। हमें नहीं पता आपकी स्किन सेंसिटिव है, हमें नहीं पता आपकी स्किन एक्नी है, मुझे नहीं पता आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है। लेकिन हम जो यहाँ बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं कि वो तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी आपको इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है। okay. मैंने अंडे की सफेदी ले ली, हमने एक अंडे की सफेदी है, अंडे ये मैंने एलोवेरा जेल ले लिया, फ्रेश वाला, बिल्कुल फ्रेश है। इसको थोड़ा सा आपने हाथों से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद चावल का आटा वो मैंने ले लेना है, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिक्स आप मिक्स करते जाएं और ये बहुत बहुत अच्छा बनेगा। बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ, अंडे की सफेदी के साथ आप कोई भी चीज़ जब ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके स्किन टाइटनिंग हो जाती है। और आप ये देखिए कि चावल का आटा तो स्किन टाइट वैसे ही कर देता है। अच्छा, ये बादाम का ऑयल जी वो मैं शामिल कर रही हूँ। अच्छा, ये कितना डालना है? 1 टीस्पून। ओके। और हनी आपकी स्किन के स्कार्स हैं या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज है तो उसको हेल्प करेगा आपकी स्किन को टाइट करने में, ये हनी तकरीबन 1 टीस्पून। अच्छा, आप ये याद रखें कि जब भी आप चावल के आटे को अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करते हैं, विस्क करते हैं, तो गुठलियाँ बन जाती है, क्योंकि वो आटा है। तो आप इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल आप गाढ़ा सा, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। अगर नहीं, अगर तो नहीं लग रहा, आप देख रहे हैं कि ये सारी क्वांटिटी बराबर है आपका। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बहुत कमाल मास्क बन रहा है, जिसको भी लगाना लगाए, विद इन 10 मिनट्स इसका रिजल्ट आ जाएगा, विद इन 10 मिनट्स होगा आपको अभी रिजल्ट आ जाएगा। इसको दो तरीके से बता देते हैं, टिश्यू पेपर रख के बता देते, स्किन पे लगा के फिर आप टिश्यू पेपर अपने फेस पर लगा दें, और जब ये ड्राई हो जाएगा तो आप इसको निकाल wow. स्किन टाइटनिंग हो जाएगी, पील ऑफ मास्क आपका बन जाएगा। आप ये देखिए, ये आपका मास्क, ये देखिए, ये इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग द वे दिस मास्क इज। कौन लगाना चाहता है, किसको जवान होना है ये बताइए। हाँ, आपको जवान होना है, जरूरत भी है आपको। अच्छा जी, अब 10 मिनट 15 मिनट के अंदर हम देखेंगे। मैं आपके पास ये भेज रहा हूँ, इनको दे सकते हैं ना, ऊपर दे सकते हैं, अच्छी तरह से अप्लाई करने हैं। ऑलराइट जी, मैं आपके पास ये भेज रहा हूँ, इसको लगा दीजिएगा। और ये पता सबसे ज्यादा खुशी मुझे किस बात की है, ये जिस तरह से मास्क का टेक्सचर निकला है ना, बहुत अच्छा, ये बहुत कमाल है, ये बहुत कमाल है, अमेजिंग। और ये आपने गर्दन तक लगाना है, यहाँ तक लगाना है, ऊपर दे दीजिए इनको, प्लीज ऊपर दे आइए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसको आप हफ्ते में 2 दफा लगाएं। अच्छा, हफ्ते में 2 दफा। अच्छा, एक बार फिर इसको रीकैप कर देते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। अच्छा, इसमें मैंने 5 चीजों का इस्तेमाल किया था। अंडे की सफेदी ले ली थी, एक अंडे की सफेदी थी, और इसमें तकरीबन 1 टीस्पून एलोवेरा जेल डाला था, बिल्कुल फ्रेश वाला, पत्तों से आप निकाल लें। 1 टेबल स्पून चावल का आटा था, 1 टीस्पून बादाम का ऑयल था। सॉरी, मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करूंगा, अगर आप लोग बात ना करें, प्लीज बात ना करें,
थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूंगा समझने के लिए, अगर उठा के दिखा दें हम चीजों को जैसे, और थोड़ा सा आहिस्ता से जरा बताएंगे ना तो लोगों को ज्यादा समझ आ जाएगा। अच्छा, ये जो हम आपको बता रहे हैं मास्क की स्किन टाइटनिंग के लिए है, और इससे आपकी स्किन इमीडिएटली टाइट हो जाएगी, इमीडिएटली टाइट होगी, और आप 5 से 7 साल पीछे चले जाएंगे, इमीडिएटली टाइट होगी। फौरी अगर आप अपनी स्किन को टाइट करना चाहते हैं तो जो मास्क हम आपको बता रहे हैं सब वो समझ लीजिए, इसकी क्वांटिटीज को लिख लीजिएगा। जी बताइए। एक अदद अंडा है, उसके आपने जर्दी को आप बना के खा लें, पका के खा लें, और सफ़ेदी आपने सिर्फ लेनी है, ठीक है, सफ़ेदी आपने लेनी है एक अदद अंडे की। और ये एलोवेरा जेल मेरे पास है, ये बिल्कुल फ्रेश है, ये फ्रेश है एलोवेरा जेल, वो आपने 1 टीस्पून लेना है, पत्तों से निकाल के आपने 1 टीस्पून लेना है। और ये चावल का आटा है मेरे पास जैसे कि आप देख रहे हैं, और चावल का आटा 1 टेबल स्पून आपने लेना है, ठीक है। एक बॉल में आप तमाम चीज़ों को डालते जाएं, उसके बाद आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये बादाम का ऑयल है, ये 1 टीस्पून आपने लेना है बादाम का ऑयल। और ये शहद है मेरे पास, शहद भी आपने 1 टीस्पून लेना है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। यहाँ पर तो साइड ने मिक्स किया, बिल्कुल ये सही से इसका गाढ़ा सा इसका पेस्ट बन गया। अगर आप चाहते हैं कि वो गुठलियाँ बनने लगें, कभी कभार आपसे आटा ज़्यादा हो जाता है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, उसको अच्छा सा पेस्ट बना लें, ताकि आपके फेस पे वो ठहर जाए, पतला नहीं होना चाहिए कि वो बह जाए, आपके फेस पे ठहर जाए। आप फेस पे लगा के वैसे भी इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें, तो फिर उसके बाद आप वॉश कर लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको पील ऑफ मास्क बने, तो आप अपने फेस पे लगाने के बाद टिश्यू पेपर यहाँ रखा हुआ है, टिश्यू पेपर आपने अपने फेस पे लगा लिया इस मास्क को, और टिश्यू पेपर को आपने इस तरह से अपने फेस पे लगा दिया यहाँ पर। जब ये सूख जाएगा, ये चिपक जाएगा टिश्यू पेपर, जब ये सूख जाएगा तकरीबन आधा पौना घंटा लगता है, फिर इसके आप इसको खींच के निकालेंगे तो पील ऑफ मास्क, और आपके बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, इंस्टेंट रिजल्ट और बहुत अच्छा रिजल्ट। अच्छा, अगर ये पील ऑफ मास्क नहीं भी है तो भी रिजल्ट मास्क तो बहुत अच्छा है। पील ऑफ बनाना है तो आपको इस तरह से करना है, वरना ये टाइटनिंग मास्क आप